Hi guys, how are you all? Today we will be discuss about relation between B and H. इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो बैच चल रहा है, जो इलेक्ट्रिकल का बैच चल रहा है, ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल के लिए ही नहीं, बल्कि नीट नीट की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, यानी ट्वेल्थ वाले बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, टेंथ वाले भी करते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट की जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है, यानी वो भी इस चीज़ से पढ़ सकते हैं। अब उसमें दो पोर्शन होते हैं, एक ट्वेल्थ का पोर्शन होता है, एक इलेवंथ क्लास का पोर्शन होता है। तो जितना मैंने करा दिया है वो सारा का सारा ट्वेल्थ क्लास का पोर्शन कम्प्लीटली है, लेकिन जो इलेवंथ का पोर्शन है वो मैं अलग से कराऊंगा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, रिलेशन बिटवीन बी एंड एच। बी बोले तो सर क्या होता है, तो यहाँ से बी किसको बोलते हैं भैया? बी बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो डेंसिटी का मतलब तो आप समझते ही हैं, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात हो रही है। तो इसका फॉर्मूला होता है फ्लक्स पर यूनिट एरिया। दूसरा होता है एच। एच का मतलब होता है मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी को एक और नाम से जाने जाता है, किस नाम से? मैग्नेटाइजेशन फोर्स या मैग्नेटाइजिंग फोर्स नाम से भी आ सकता है एग्जाम में। यानी एक ही बात है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी बोले या मैग्नेटाइजेशन फोर्स बोले, ठीक। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है MMF क्या होता है भैया? नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट पर यूनिट लेंथ। यानी इसका फॉर्मूला यह है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट पर यूनिट लेंथ। तो यहां से मैं आपको फॉर्मूले नहीं पढ़ाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी और डेंसिटी के, मैं इनका रिलेशन समझाने वाला हूं कि किसी भी मटेरियल पर ये कैसे एप्लीकेबल होते हैं। तो यहां से इसको नोट डाउन करिए और आगे चलते हैं रफ ऑफ डेफिनेशन की तरफ। अरे सर आपने ये क्या लिखवा दिया, इससे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और इंटेंसिटी सर घुमा के रख दिया है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तो उसी चीज को बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाऊंगा कैसे। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो प्रोड्यूस्ड होती है, कहाँ प्रोड्यूस होती है भैया? किसी भी एरिया पे। इसीलिए इसका फॉर्मूला आता है फ्लक्स पर यूनिट एरिया। यानी किसी भी एरिया पे, एरिया क्या हो सकता है सर? हमारा फैन हो सकता है, मोटर हो सकती है, जनरेटर हो सकता है, जहां जहां मैग्नेट बनती है, चुंबक बनती है, वहां वहां एरिया होता है, ठीक है। तो एरिया क्या होता है सर? एरिया मतलब उस चीज का आकार। मान लीजिए मोटर है, तो मोटर का जो आकार है उस पे जो मैग्नेटिक चुंबक बन रही है उसी को क्या बोल रहे हैं? जितना पास हो रही है मैग्नेटिक फ्लक्स उसी को डेंसिटी बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और सर इन एनी मटेरियल, सही बात है, एरिया यानी किसी मटेरियल का ही तो एरिया होगा। मटेरियल बोले तो क्या, यानी जो मोटर है, मोटर किसकी बनी हुई होती है? धातु की। वह धातु का मटेरियल ही तो है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी सर सीधा सीधा डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? जितना उस पर मैग्नेटाइजेशन फोर्स अप्लाई करते हैं। तो सर ये तो सेम वैसे ही हुआ जैसे हम चाय बना रहे थे, तो चाय में पहले दूध डालेंगे, चीनी डालेंगे, पत्ती डालेंगे, तो ये मैग्नेटाइजेशन फोर्स हो गया और रिजल्ट जो निकलेगा चाय बन के मिलेगी, तो चाय क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अच्छा सर इनपुट को, तो इनपुट को क्या बोलते हैं? जो इनपुट दिया है, इनपुट मतलब स्टार्टिंग, इनपुट का मतलब है सर क्या? एच, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी। और सर जो आउटपुट निकल रहा है, यानी चुंबक बन के जो निकल रही है, उसको क्या बोलते हैं सर? बी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। यानी स्टार्टिंग में डेंसिटी वेंसिटी कुछ नहीं होता है, स्टार्टिंग में तो भाई किसी चीज को फ्लो कराने के लिए वोल्टेज या करंट ही होते हैं, समझे बात। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या आता है? एन आई अपॉन एल, यानी नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट पर यूनिट लेंथ। सीधे सीधे बोल रहा है कि किसी भी तार में अगर करंट फ्लो कराओगे टर्न्स के बीच, यानी गोल गोल जो कॉइल घूम रही है उस कॉइल में करंट फ्लो कराओगे उसकी लेंथ पे, तो क्या बनेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। और जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा उसी को क्या बोल देंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। लेकिन ये जो सर पास हो रहा है, अब चाय बन के तैयार हो गई, चाय बन के तैयार हो गई, लेकिन जब उसको चाय को छानेंगे तो छानने के लिए क्या चाहिए? छलनी, यानी कि फनल। अब फनल जो छानने के लिए होती है, कई फनल तो ऐसी होती हैं आसानी से छान देती हैं, बढ़िया तरीके से मित्र का काम करती हैं, कुछ ऐसी होती हैं कि चाय उसमें भर गई और बिखर गई, निकाल ही नहीं रही यार नीचे को। तो जो नहीं निकाल रही वो तो परमिटिविटी है ना भैया, रोकने का काम कर रही है। और जो आसानी से निकाल दे रही है चाय को, अच्छे से काम कर रही है, उसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। लेकिन परमिएबिलिटी भी कई प्रकार की होती है, वही चीज आपको अब डिस्कस कराएंगे। यानी हमारा मेन पॉइंट क्या है आज आपको,
किसी भी मेटेरियल की परमिएबिलिटी को अच्छे से सिखाना, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कैसे प्रोड्यूस्ड होती है किसी भी मेटेरियल पे। इसीलिए तो जो आपके सर लोग होते हैं, प्रोफेसर लोग, वो बोल देते हैं कि मोटर का जो कोर होता है वो सिलिकन स्टील से बनता है, ट्रांसफॉर्मर का फेराइट से बनता है। ये कैसे डिपेंड होता है सर, ये यहीं से पता चलता है, ठीक है। ये बोल रहा है कि किसी भी सर्किट में जितना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन फोर्स दोगे उस सर्किट में उतनी ही ज्यादा क्या होगी, फ्लक्स पास होगी, और उसी को क्या बोल देंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो सर ये मैग्नेटाइजेशन फोर्स आएगी कहां से, तो ये भैया या तो आपकी बैटरी से आएगी या आपके ट्रांसफॉर्मर से आएगी, यानी जो सर्विस मेन लाइन खींची हुई है गांव में वहां से लगाते हो ना तार, तो वहां से आती है। यानी करंट ही तो लाना है, क्या लाना है, सिर्फ आपको करंट की ही तो जरूरत है, बाकी तो टर्न्स तो आपकी मोटर के अंदर अवेलेबल है ऑलरेडी, तार लगा रखा है घुमा घुमा के। दूसरा उसकी लेंथ, यानी उन टर्न्स की लेंथ, बाकी क्या है इस फॉर्मूले में, यानी कि जितना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन फोर्स अप्लाइड करोगे किसी भी सर्किट पे उस सर्किट में उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस्ड होगी। लेकिन अब यहां से एक टर्म आता है, क्या टर्म आता है सर, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है सर, इस कॉइल की, यानी ये जो मेटीरियल है, ये क्या मेटीरियल है, कॉइल है मान लीजिए, कोर है, तो इसकी क्या है प्रॉपर्टी है, यानी कुछ मटेरियल तो ऐसे होते हैं जो फ्लक्स को आसानी से पास करा देते हैं, तो उनको बोला जाता है हाई परमिएबिलिटी मटेरियल। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं वो पास तो करा पाते हैं लेकिन कम मात्रा में करा पाते हैं, तो उसी चीज को अब पढ़ेंगे। जो स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होता है रिलेशन बिटवीन बी एंड एच। लेकिन सर आपने 15 मिनट क्यों बिगाड़े, इससे पहले बी एंड एच तो डायरेक्ट पढ़ा सकते थे ना भैया। किसी चीज को समझाने के लिए उसका बेसिक समझाना जरूरी होता है, तभी तो आपको बी और एच का मतलब समझ में आएगा। अब मैं डायरेक्ट ही उसका वोमेटिंग कर दूं, यानी फॉर्मूलों की वोमेटिंग कर दूं और चला जाऊं, तो उसका कोई मीन्स नहीं है, यानी फिजिक्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो यहां से रिलेशन आता है बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। सर ये कहां से आया, इससे पहले जो डेफिनेशन लिखवाई थी, क्या लिखवाई थी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस्ड इन एनी सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डिपेंड्स अपॉन मैग्नेटाइजेशन फोर्स अप्लाइड इन द सर्किट। यानी सबसे पहली डेफिनेशन देखिए, यानी किसी सर्किट में जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगी, यानी कि किसी सर्किट में जितना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन फोर्स दोगे उस सर्किट में उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पैदा होगी। यानी कि सर एच देना पड़ता है और उसकी वजह से बी पैदा होता है, लेकिन ये एक दूसरे के मित्र की तरह है, अगर एच ज्यादा होगा तो बी भी ज्यादा होगा और एच कम होगा तो बी भी कम होगा, क्योंकि डिपेंड करते हैं भैया एक दूसरे पे। भैया एच नहीं दोगे तो बी कहाँ से पैदा होगा, और एच दोगे तो बी पैदा होगा, यानी कि इंटेंसिटी दोगे तभी तो डेंसिटी बनेगी किसी भी सर्किट में फ्लक्स की। अच्छा तो यहां से सर ये आता है, तो इसको मैं कैसे लिख देता हूं, बी इक्वल टू, यानी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए। अच्छा सर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया क्यों जाता है, हर जगह हटा देते हैं भैया। प्रोपोर्शनलिटी का साइन अपने आप में किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी को छिपा के रखता है, प्रॉपर्टी को छिपा के रखता है, उसके गुणों को छिपा के रखता है, इसीलिए यहां प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं, समझे बात। जैसे कंडक्टर में प्रोपोर्शनलिटी रेसिस्टेंस से हटा, तो वहां भी तो तार के गुण थे, यानी कंडक्टर के गुण थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में एप्सिलॉन परमिटिविटी से हटा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल, और यहाँ परमिएबिलिटी से हटेगा, यानी कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन अपने आप में बहुत बड़ा मेटेरियल का फंडा है, यानी मेटेरियल जो आकार, ये जो बॉडी बनती है ना अप्लाइंसेस, ये सिर्फ इसी पर डिपेंड करते हैं। तो यहां से आ जाता है म्यू एच। अरे सर यहां तो बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच लिखा था, अब ये बी इक्वल टू म्यू एच क्या हो गया। म्यू आपको पढ़ाए थे लास्ट लेक्चर में, म्यू का मतलब क्या था, परमिएबिलिटी। सर ये परमिएबिलिटी क्या होती है, इट इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मेटेरियल, यानी किसी भी मेटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है,
यानी उस मेटेरियल में कितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो पाएगा। सेम वैसे ही जैसे छलनी होती है ना चाय छानने के लिए, उसमें से कितनी ज्यादा चाय छान पाओगे। अब कुछ छलनी अच्छी होती है ज्यादा छान देती है, कुछ बेकार हो देती है वो बिखेर देती है। सेम वैसे ही यानी कुछ मेटेरियल अच्छे होते हैं कुछ खराब होते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि आपके घरों में जब मोटर खरीद के आती है, फैन खरीद के आता है, बोलते हैं यार कॉपर का लेकर आना, कॉपर का अच्छा होता है क्योंकि कॉपर की परमिएबिलिटी अच्छी है। कभी कभी बोलते हैं सर यार एल्युमिनियम का है, सस्ता आ जाएगा लेकिन खराब होता है, अच्छा नहीं होता है। इसीलिए एल्युमिनियम को अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि उसकी परमिएबिलिटी है तो सही, यानी मैग्नेटिक मटेरियल है तो सही लेकिन गुड परमिएबिलिटी मटेरियल नहीं है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करा पाता है। समझे बात। ये म्यू है, ये म्यू अपने आप में एक ब्रह्मांड की तरह है, यानी बाकी फॉर्मूले तो पढ़ ही लोगे, बाकी फॉर्मूले तो पढ़ लोगे लेकिन ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के म्यू वगैरह आते हैं, रेसिस्टेंस आता है या एप्सिलॉन आता है, ये अपने आप में किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी को छपा के रखता है। समझे बात। तो यहां से नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो सर मैग्नेटिक मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है? सेम वैसे ही जैसे आप बोलते हैं कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, आयरन, यानी अलग अलग मटेरियल है ना, तो सबकी अलग अलग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। तो उन्हीं चीजों को आज बहुत ही डिस्कस तरीके से हम स्टडी करने वाले हैं। सर कैसे होता है और उसी चीज को हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको देखना होगा ये डेफिनेशन, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मेटेरियल डिपेंड अपॉन रिलेटिव परमिएबिलिटी। अच्छा सर रिलेटिव परमिएबिलिटी इतना इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह प्ले करेगा भाई। यहां तो हो ही रहा है, साथ में आपका ट्रांसफॉर्मर, मोटर, ट्रांसमिशन लाइन, हर जगह लगेगा ये। इसको याद कर लो, यानी परमिएबिलिटी और परमिटिविटी दोनों ही यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से कर लो, यानी डिपेंड करते हैं। तो इसको याद कर लो। और ये कितने प्रकार के होते हैं सर, कितने मेटेरियल में? पहला होता है पैरा मैग्नेटिक। यहां से क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल में तीन प्रकार आते हैं, कौन कौन से? पहले हैं पैरा मैग्नेटिक, दूसरे हैं डायमैग्नेटिक और तीसरे हैं फेरोमैग्नेटिक। अब इन्हीं को हम एक एक करके अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, यानी सबसे पहले हम पैरा मैग्नेटिक को डिस्कस करेंगे। तो यहां से इसको नोट डाउन करिए और मैं इसको रफ कर देता हूं। यहां से देखिए जो पैरा मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं भैया, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल्स, उनकी डेफिनेशन लिखी है मटेरियल्स हैव रिलेटिव परमिएबिलिटी ग्रेटर देन 1 बट स्लाइटली लेस देन 1.1। सर आप बोलना चाह रहे हो कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनकी रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू 1 से तो ज्यादा होगी लेकिन 1.1 से कम होगी, उनको बोला जाता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। वो सर कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं भैया आपके एल्युमिनियम और प्लेटिनियम। तो सर हमने तो देखा है कि एल्युमिनियम को तो मोटर में यूज कर लेते हैं ना, एल्युमिनियम की मोटर आती है, वो भैया प्योर एल्युमिनियम नहीं होता क्योंकि प्योर एल्युमिनियम और प्योर प्लेटिनियम तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा हल्के हल्के अट्रैक्ट किए जाते हैं, यानी उनमें ज़्यादा चुंबक नहीं बनती है, इसीलिए प्योर में एल्युमिनियम यूज ना करके उसमें हल्का हल्का कॉपर मिलाया जाता है या कोई अदर मटेरियल का मिक्सअप किया जाता है। तो सर कॉपर मिलाने से हो जाएगा क्या काम? नहीं होगा, उसमें हल्का सा आयरन भी मिक्स कर देते हैं। समझे बात। इसीलिए इसको बोलते हैं वीकली अट्रैक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड, यानी सेम वैसे ही जैसे आपकी मित्रता तो है किसी के साथ लेकिन उतनी ज्यादा नहीं, हल्की फुल्की है, यानी पहले दिन मिले मित्र बन गए, अब ज्यादा आपके बीच में गठजोड़ नहीं है, हल्की फुल्की मित्रता है। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जो है एल्युमिनियम को ज्यादा चिपकाता नहीं है, हल्का फुल्का सेंस कर सकते हो आप। तो कौन कौन से होते हैं? एल्युमिनियम और प्लेटिनियम। अब यहां से आपका पैरा मैग्नेटिक मेटीरियल्स तो क्लियर होता है। नेक्स्ट आते हैं डाया मैग्नेटिक मेटीरियल्स। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं जिनकी रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू स्लाइटली लेस देन किससे होती है? 1 से भी कम होती है, यानी कि स्लाइटली लेस देन 1, यानी 1 से भी कम, किसकी वैल्यू? वैल्यू ऑफ म्यू आर। अब बार बार डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, सीधा म्यू आर बोलेंगे ना, यानी रिलेटिव परमिएबिलिटी, जिसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से भी कम हो उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। सर वो कौन कौन से होते हैं? कार्बन, वो होता है भैया कार्बन,
कॉपर, सिल्वर, यानी ये कौन कौन से हैं, कार्बन, कॉपर, सिल्वर सभी क्या हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। अरे सर आप तो झूठ बोल रहे हो, हमारे फैन में तो कॉपर यूज होता है, कॉपर तो अच्छे से चुंबक बना पाता है, खूब पंखे को घुमाता है तेजी से। भैया वो प्योर कॉपर नहीं होता, उसमें आयरन का मिक्सचर होता है, समझे बात। यानी प्योर कॉपर नहीं होता, आप कभी पढ़ना, प्योर कॉपर कभी भी मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं हो पाता है, ना ही वो अच्छे से रिपेल हो पाता है। यानी कि ये अच्छे ना तो मित्र बन सकते हैं, ना ही अच्छे शत्रु बन सकते हैं। तो इनका क्या लिख देते हैं, वीकली, स्लाइटली, स्लाइटली रिपेल, रिपेल बाय मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि पैरामैग्नेटिक में क्या फंडा था, पैरामैग्नेटिक हल्के हल्के चिपक रहे थे, ज्यादा नहीं चिपक पा रहे थे, लेकिन डायमैग्नेटिक चिपकते तो हैं लेकिन हल्के हल्के रिपेल होते हैं, रिपेल, समझे बात। यानी रिपल्सन होता है, यानी चिपकते तो हैं, हल्की हल्की रिपल्सिव फोर्स लगती है, समझे बात। अब आ गया होगा आपको समझ में, एक तो होता है भैया कि मित्र बन गए, हल्की हल्की मित्रता है, मित्रता हुई ही नहीं, लेकिन डायमैग्नेटिक में फंडा क्या है, मित्रता होते हुए मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा फिर भी हल्की फुल्की दुश्मनी चलती रहती है, अच्छे मित्र हैं लेकिन फिर भी चलती रहती है यार, तो उसी को बोलते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो सर किसका यूज होता है हमारे अप्लायंसेस में, वो होते हैं आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो यहां से इसको रफ करिए, हमने आपको बता दिया कार्बन, कॉपर, सिल्वर क्या है, आपके डायमैग्नेटिक मटेरियल है, स्लाइटली रिपेल किससे होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से, और इनकी परमेबिलिटी लेस देन 1 होती है, समझे बात। यानी परमेबिलिटी की वैल्यू याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं आखिरी फील्ड, अब आता है आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो सर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं, आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आता है आपका सॉफ्ट आयरन, यानी लोहे की पत्ती, अच्छा उसमें मैग्नेट ज्यादा बनती है, बिल्कुल बनती है, यानी सबसे अच्छा मटेरियल जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो लोहा है, यानी सॉफ्ट आयरन। दूसरा आता है आपका सिलिकन स्टील, सिलिकन स्टील। तो सर ये सिलिकन स्टील क्या पैदा होता है, नहीं ये वैज्ञानिक प्रक्रिया से बनाया जाता है, किसको, आयरन निकिल वगैरह को मिला के सिलिकन स्टील, सिलिकन आयरन स्टील बना के बना दिया जाता है, लेकिन नेचुरल स्टेट में आपका आयरन निकलता है पृथ्वी से, समझे बात। तो यहां से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं उनकी रिलेटिव परमिबिलिटी की वैल्यू 1 से तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेट से भी बहुत ज्यादा होती है। तो सर कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, 10,000 हो सकती है, 5,000 हो सकती है, यानी 1 से ज्यादा होगी, अब लाख तक करोड़ों तक कितनी भी हो सकती है। अच्छा तो सर इनमें अच्छी चुंबक बनती होगी, अच्छा अच्छे से मैग्नेटिक फ्लक्स को पास करा पाते हैं, तो ज्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस होती होगी, ज्यादा फ्लक्स डेंसिटी बनती होगी। तो अच्छा इसीलिए हम किसी भी मोटर का कोर बनाने के लिए सिलिकन स्टील का यूज करते हैं, क्योंकि वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की श्रेणी में आता है। अच्छा इसलिए होता है। अच्छा सर कॉपर भी तो यूज होता है मोटर बनाने के लिए, यानी कॉपर के तार होते हैं, हम बोलते हैं कॉपर की मोटर अच्छी होती है, भैया प्योर कॉपर नहीं है, उसमें आयरन का मिक्सचर है, यानी प्योर कॉपर भैया कभी भी मैग्नेटिक फील्ड को अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, उसमें हल्का सा रिपल्सन होता है। आई बात समझ में। तो लास्ट बचता है आपका नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ये क्या होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, स्ट्रांग अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड, इसको लिख लेना नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अब वो आपको ना भी पढ़ाऊं तो चलेगा, लेकिन पढ़ा देते हैं। नियर वन, तो सर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जिनकी रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 के आसपास होती है, 1 से कम होगी, 1 होगी, या 1 से थोड़ा बहुत ज्यादा होगी, वो होते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ना तो वो अच्छे मित्र हैं, ना ही अच्छे शत्रु हैं फ्लक्स के, यानी ना तो वो परमिएबिलिटी का काम करते हैं, ना ही परमिटिविटी का काम करते हैं, ना ही रिपेल होते हैं, ना ही अट्रैक्ट हो पाते हैं, तो उनमें चुंबक नहीं बनती है, समझे बात। तो भैया पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक दोनों ही क्या हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, और एग्जाम में पूछा जाएगा रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी होती है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स की, या तो 1 होगी, या 1 से थोड़ा बहुत कम होगी, या 1 से ज्यादा होगी, एग्जाम में हमेशा 1 के आसपास ही आएगी वैल्यू उसकी, ठीक है, कभी 1 ही आ सकती है, लेकिन ऐसा भी आ सकता है 0.89, तो वो भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की श्रेणी में, या कभी दे दे 1.1,
वो भी नॉन मैग्नेटिक मेटीरियल है। ठीक है भैया, तो यहां से आपके तीनों क्लियर होते हैं, पहला क्या था पैरामैग्नेटिक, दूसरा डायामैग्नेटिक, तीसरा फेरोमैग्नेटिक और चौथा नॉन मैग्नेटिक मेटीरियल। तो सर कंस्ट्रक्शन में कौन सा यूज किया जाता है वही लिखवाते हैं आपको। सर मोटर, ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर और जितने भी मैग्नेटिक अप्लायंसेस होते हैं जहां जहां चुंबक बनती है वहां हम कौन सा मेटेरियल यूज करते हैं ज्यादा, वहां यूज करते हैं सबसे पहली बात फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो सर आपने बताया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में तो सबसे अच्छा मटेरियल आयरन है, यानी कौन सा, सॉफ्ट आयरन। तो सॉफ्ट आयरन की जो रिलेटिव परमिबिलिटी होती है सर वो 8000 होती है, लेकिन जबकि कॉपर की तो सर 1 से भी कम थी। कॉपर को क्यों यूज कर लेते हैं समझे बात, उसमें भैया हल्का सा आयरन मिक्स कर दिया जाता है तो उसकी रिलेटिव परमिबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाती है, इसलिए उसे कंस्ट्रक्शन में यूज कर लेते हैं। लेकिन मेकिंग कोर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, मोटर एंड जनरेटर, सर कोर क्या होती है, जो फ्रेम होता है अंदर का, किसी भी मोटर के अंदर आपने देखा होगा टेढ़ा मेढ़ा फ्रेम होता है, वो फ्रेम कभी कॉपर का नहीं बनाया जाता है, वो हमेशा किसका बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा सिलिकन स्टील का, और सिलिकन स्टील किसका, सिलिकन प्लस आयरन का मिक्सचर होता है स्टील, वो आपको आगे पढ़ाया जाएगा, फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए। यानी तीन प्रकार के मटेरियल होते हैं, चौथा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आगे बच्चों को शेयर करें। यानी नीट के स्टूडेंट हों चाहे कोई इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हों, सभी के लिए ये बेनिफिटेबल है ये लेक्चर। थैंक यू।